एटा के जलेसर में 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह व पवन ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इकाई के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन और तालाबंदी की जाएगी। जिला उपाध्यक्ष हर्ष रिजवासी ने बताया कि किसानों की समस्याओं व सुराया की पीड़िता राजेश कुमारी के पति का 6 माह पूर्व अपहरण हो गया था, जिसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अपना फैसला खुद लें और किसानों की मदद करें, किसानों की सुने। अगर राजनेताओं की सुनेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानते, हम फिर सारे सरकारी दफ्तरों में भूसा बनने का काम करेंगे। आपके संगठन के द्वारा एक मुद्दा और उठाया गया है, सुराया में एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। सुराया में एक पीड़ित परिवार है जिसको काफी लंबे समय से 6 महीने बीत चुके हैं और उनके जो महिला है विधवा हो गई है, उनके पति को मर्डर हो गया है। उसके बाद में कप्तान साहब ने या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उसको नोटिस नहीं किया, कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई है, बाकी लोग अभी फरार घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहना ये है कि उनको तत्काल रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए। और इसकी मांग को हम एटा में जब 28 तारीख को हमारा आंदोलन होगा पूरे जोर तोर के साथ उठाएंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि उनका व्यक्ति, उनका आदमी, उनका परिवार का सदस्य चला गया। इससे बुरा किसी व्यक्ति के साथ हो नहीं सकता। तो हमारा कहना यही है कि उनके साथ हम न्याय की मांग करेंगे पूरे जोर तोर के साथ। 28 तारीख को उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। एटा के जलेसर से KKD न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।